नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और जैसा कि देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से आया हुआ हूं मुकेश मस्ताना जी के पास और उनकी फैमिली के पास। जैसा कि आपने अगर चर्चा का इनका पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इनका इंटरव्यू किया था और आप सबको बताया था कि इन्होंने खेसारी लाल यादव जी के साथ 2005 से 2013 तक काम किया है और आज इनकी हालत ऐसी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप इनकी फैमिली को देख सकते हैं, इनके बच्चे की पढ़ाई छूट गई है, भाभी जी को दूसरे के घर में जाके काम करना पड़ रहा है और इनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर लोग भी कुछ हाँ ना नहीं कर रहे हैं। इनके किडनी में प्रॉब्लम है, इनका एक दो बार कई तरीके से ऑपरेशन भी हो चुका है और इन्होंने मदद की गुहार लगाई थी खेसारी लाल यादव से। और आप लोगों ने, जो चर्चा के परिवार है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इनकी वीडियो को आपने वायरल करने की कोशिश की है और बहुत सारे भाइयों ने इनके बैंक अकाउंट में पैसे भी डाले हैं, हेल्प करने की कोशिश की है दोस्तों। लेकिन मैं तहे दिल से आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिससे इनको सबसे ज्यादा मदद की दरकार थी खेसारी लाल यादव जी से, उन्होंने हेल्प की या नहीं की, आइए जानते हैं मुकेश मस्ताना जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। खेसारी लाल यादव जी से आपकी बात हुई अब की नहीं हुई? नहीं भैया, अभी कोई बात नहीं हुई। आपने उनको कॉल किया? क्योंकि मैंने तो उनका नंबर भी अवेलेबल कराया था आपके पास। मैंने कॉल किया था, मैसेज भी डाला है, तब भी बात नहीं हो पाई। और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहे। वो कोई भी रिप्लाई भोजपुर इंडस्ट्री से किसी का नहीं आया? नहीं, किसी का नहीं आया। दोस्तों ये बहुत अफसोसजनक बात है। मैंने खेसारी लाल यादव जी का नंबर भी इनके पास अवेलेबल कराया, इन्होंने फोन भी लगाया, मैसेज भी लगाया, लेकिन खेसारी लाल यादव जी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अक्सर आप न्यूज देखते होंगे कि खेसारी लाल भैया ने इनकी हेल्प की, उनकी हेल्प की, वहां मदद किया, यहां मदद किया, लेकिन यहां मदद नहीं किया। मैं किसी से फोर्सली नहीं कह रहा हूं कि आप मदद करो, लेकिन जब आप किसी अनोन आदमी, अनजान आदमी का आंसू पोंछने के लिए मुंबई से पटना चले जाते हो या कहीं और चले जाते हो, तो जिस शख्स ने आपके साथ इतने सालों काम किया, उसका आंसू, उसके बच्चे, उसकी बीबी आपको क्यों नहीं दिखती? मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं खेसारी लाल यादव जी को फोर्स नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कह सकते हैं कि उनके साथ काम किया तो ढोलक बजाया होगा, तो पैसे दिए होंगे, जरूर दिए होंगे और इन्होंने लिए होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब फिर वही है, अगर आप अनोन आदमी की हेल्प करने चले जाते हो, न्यूज में लगता है कि आप कहीं कुछ बांट रहे हो, कहीं किसी की शादी करा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, तो क्या ये आपके लिए भाई नहीं है आपके? आप इनकी मदद नहीं कर सकते हैं? प्लीज आप लोग कमेंट में बताना। भाभी जी, जैसा कि मुझे पता चला है कि अभी आप बाहर जाके काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? अब क्या करें, हमारा मजबूरी है, मेरे को तो करना पड़ेगा। मेरे बच्चे आदमी को मैं खाना कहाँ से खिलाऊंगी? जैसे तैसे करके इलाज तो करा रही, इधर से उधर से लोन उठा उठा के। अब मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता मैं करूँ? काम तो करना ही पड़ेगा मेरे को। अभी आपको कोई सपोर्ट कहीं से नहीं आ रहा है और ना ही खेसारी लाल यादव जी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी अगर उनको मीडिया पूरा देखे तो वो चले जाएंगे करने के लिए। कहीं भी पटना जाना होता है वहाँ भी चले जाते हैं, गांव में आग लगता है वहाँ भी चले जाते हैं, मगर हमारी आवाज़ उनको नहीं सुनाई दे रही है। मैंने सुना है कि जब भी दिल्ली आते थे या स्टेज शो करते थे या शुरू में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपके घर में रहना, खाना पीना, आपसे मजाक मस्ती सारा कुछ हुआ करता था? जी आते थे, रात में रहते भी थे। जी आते थे और जो भी होता था मेरे से मैं करती थी, उनको खिलाती पिलाती थी। तो जैसे भाभी जी आप बाहर काम पे चली जाती हैं तो भैया की देखभाल कैसे होती है फिर? ऐसे अकेले रहते हैं, मेरे पास तो मजबूरी है, मैं क्या करूं? करना पड़ेगा मेरे को, पेट के लिए कर रही हूं, इलाज के लिए तो नहीं हो रहा है मेरे से, खाने के लिए मैं कर रही हूं काम। भैया आप अब खेसारी लाल यादव तो आपकी मदद कर नहीं रहे हैं, ना आपका फोन उठा रहे हैं, ना आपके मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, तो भोजपुरी में और भी बहुत सारे स्टार हैं जैसे कि पवन सिंह जी हैं, रितेश पांडे जी हैं। मैं जानता हूं कि आपने सिर्फ खेसारी लाल यादव जी को अपनी ज़िंदगी दी है, उनके साथ आपने बहुत सालों तक काम किया है, लेकिन फिर भी आप जो और लोग कलाकार हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ भैया, बहुत मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई देख लो, हमार किडनी खराब बना तो हम काम करती नू तो हम खुद अपना बच्चा बीबी सब देख लेती, ना तो रिपोर्ट वपोर्ट सब देख के आके देख ले भाई लोग।
मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, तूफानी लाल यादव की जब तबीयत खराब हुई थी तो बहुत सारे भाइयों ने मदद की थी। अंतरा सिंह, प्रियंका ने कुछ हद मिल की थी, पवन सिंह जी ने मदद की थी लाखों रुपए की, खेसारी लाल यादव जी ने मदद की थी, मैंने सुना है ये चीजें। तो अगर उनकी मदद की जा सकती है, क्या ऐसा है क्या कि सिंगर अगर बीमार पड़ता है तो ही उसकी हेल्प की जाए, ये वादक हैं, ये ढोलक बजाते थे, इनकी मदद ना की जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि गायक तभी आगे बढ़ता है जब एक वादक उसको सपोर्ट करता है। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं, वो चाहे नॉन फेस हों चाहे फेमस स्टार हों, सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, भाइयों मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये फैमिली आपके छोटे छोटे योगदान से सुधर सकती है, आगे बढ़ सकती है। आप इस बच्चे को देखिए, इसका करियर बन सकता है, भाभी घर में रह के सेवा कर सकती हैं, बाहर जाके काम करने मजबूर नहीं हो सकती हैं, इनकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, इन्हें आप लोग सपोर्ट करिए। जो तूफानी लाल यादव के लिए मुहिम चलाई गई थी, संतोष रेणु यादव जी अगर बार बार लाइव आके ये सब चीज़ें नहीं करते, इतना मामला हाईलाइट नहीं होता, लेकिन मैं संतोष रेणु यादव जी जैसे इतना मैं मामला उठा नहीं सकता, मैं गाली गलौज नहीं कर सकता, मैं माँ बहन नहीं कर सकता, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूँ। अगर ये भाषा आपको समझ में आती है, अगर मेरी निवेदन आप तक पहुँच रही है, तो इनका मदद किया जाए, और भोजपुरी इंडस्ट्री की ये भी एक सदस्य हैं, सो प्लीज़ देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टार इन्होंने बनाने में भोजपुरी में काम किया है। खेसारी लाल यादव जी अगर आज स्टार हैं तो कुछ ना कुछ परसेंट मुकेश मस्ताना जी का भी हाथ है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। चर्चा के परिवार ने, मैं बताना चाहूँगा, किसी ने 100 डाला है अकाउंट में इनके, किसी ने 500 डाला है, किसी ने 5 रुपये डाले हैं, किसी ने 300 डाला है, किसी ने 251 डाला है, किसी ने 1000 डाला है, किसी ने 2000 डाला है, छोटी छोटी रकम डाल के इनकी हेल्प करने की कोशिश की है। हालांकि जो चर्चा के व्यूवर हैं वो भी इतने अरबपति, खरबपति, लाखपति नहीं है, लेकिन जिसने भी इतना योगदान किया है, मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये स्टेटमेंट है हमारे पास बैंक की, जिन लोगों ने आपको हेल्प की है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, हमारी मदद करने लग रहे लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पूरी फैमिली आपकी शुक्रगुजार है, आप लोगों ने हेल्प की, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इनको इलाज की ज़रूरत है। जब तक इनका सही से इलाज नहीं होगा, और ये इलाज के लिए ही पैसे मांग रहे हैं, इलाज के लिए ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इनको पैसा भी नहीं चाहिए, इन्हें सही ट्रीटमेंट चाहिए, इन्हें खाने के लिए नहीं चाहिए, रहने के लिए नहीं चाहिए, इनका इलाज अच्छी तरीके से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों के सामने हो जाए, ताकि अपने बीबी बच्चे को ठीक होके संभाल सकें। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप लोग जितना हो सके शेयर करें, और अब मैं दोबारा इनका इंटरव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े स्टार हैं, रितेश पांडे जी हैं, पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, रवि किशन जी हैं, हमारे माननीय मनोज तिवारी जी हैं, आप सब आगे आइए। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं हमेशा न्यूज में मैं भी देखता हूं, सुनता हूं कि इतने लाख की इसकी हेल्प कर दी, उसकी हेल्प कर दी, तो इनकी क्यों हेल्प नहीं हो रही है? प्लीज आप लोग आगे आइए और इनका हेल्प करिए, इस बच्चे को आप लोग सहारा दीजिए। धन्यवाद।